सीरियल नथ कृष्णा और कहानी में गौरी कहती है, तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं, गोपिका के पास चले गए हैं और तुम्हें नहीं चाहते यहाँ पर, परेशान हैं, सारे अपने बर्तन और सामान बेच दिए हैं और एक महीने का किराया दे दिया। वह बोलता है, तुम्हारे साथी ने तो बहुत कहा था किराया और यहाँ आता है लेने। जब चेक तो कहती है कि तुम खेलो शिव के साथ, दादी बोलती हैं कि क्यों नहीं खेलते, तभी मना लेती है। यहाँ गोपिका कहती है, मैं काम करूँगी, इधर पैसे देते हैं संध्या और उसका भाई तो नहीं लेते हैं। यहाँ ढूंढते ढूंढते जाती है तो वह किसी की गाड़ी साफ करती है और पैसे ले लेती है। कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी माँ। वह बोलती है, नहीं, तुम्हारे खेलने के दिन है, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत लड़ाई करती है गौरी और कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और किसी तरह उसे रोक लेती है। दादी बोलती है, खेल इसके साथ, ये तेरा बेटा है, इनके साथ समय बिता, यह तेरी फैमिली है। फिर वह मजबूरी में रुक जाता है। और इधर पर गोपिका कहती है, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। और इधर पर जैसे ही वो दोनों खुश होते हैं तभी एक व्यक्ति की एंट्री होती है। तभी वह आता है और मकान मालिक कहते हैं कि ये लो चुक गया किराया। और वह एक नोटिस सा दिखाता है, कहता है कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ जिसे फ़ोन किया है गौरी ने और इसकी ज़िंदगी में भेजा है। तभी उसका भाई संध्या का उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे पति नहीं हो सकते, मेरा पति कोई और है। और वह दिखाता है सबूत, कहता है, मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं तुम्हें दिखाऊँगा। तभी उसे वह एक रिपोर्ट दिखाता है और फोटो दिखाता है गोपिका से, कहता है, मैं तुम्हारे जैसा हूँ ना, देखो तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ। वह धक्का दे देती है तो सारी फ़ोटोज़ गिर जाती हैं। और यहाँ पर तेज जीत के साथ शिव और गौरी अच्छे से रह रहे होते हैं। और यहाँ पर बुआ जी और उसकी बहू सारा काम करती हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, कहती हैं इनके तो ठाट हैं। और फिर जब फोटो उठाती है गोपिका तो कहती है, मेरी बचपन की तस्वीरें कैसे और थोड़ा गौरी भी चौंक जाती है कि इसके पास ये तस्वीरें कैसे। संध्या भी परेशान हो जाती है। तभी वह कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ।